हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक भारद्वाज फ्रॉम अचीव आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया और श्रीलंका का जो मसला है। बेसिकली ये मसला क्यों न्यूज़ में आया उसको जान लेते हैं। सबसे पहले कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इनवाइट किया श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्ष को, ठीक है। तो वो विजिट करने आए इंडिया में 8 से 11 फरवरी 2020 में। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर आए श्रीलंका के महिंदा राजपक्ष, उन्होंने काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी में, उसके भी दर्शन किए। उसके बाद महाबोधि टेम्पल भी गए जो बोधगया में है। फिर उसके बाद वो तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर वो गए। तो बेसिकली अब आते हैं की पॉइंट्स पे, सीधा मुद्दों पर बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो मुद्दा था वो था तमिल इशू का। आपको पता है कि सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल कम्युनिटी में एथनिक क्लैश श्रीलंका में आज का नहीं है, जब से वो इंडिपेंडेंट हुआ है तब से ही है। सिन्हालाज बुद्धिज्म फॉलो करते हैं और वो काफ़ी जो है एक तरीके से नेशनलिज्म, सिन्हाला नेशनलिज्म को बहुत सपोर्ट करते हैं, और तमिल को वहाँ पे जो है बहुत रिप्रेशन झेलना पड़ता है, प्रोसिक्यूशन झेलना पड़ता है। तो तमिल का जो इशू है बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि इंडिया जो है वो तमिल्स का ही फेवर लेता है, ठीक है, वहाँ पर जा करके। अब इंडिया ने बिल्कुल, और जो ये आपके महिंदा राजपक्ष हैं, ये कहीं ना कहीं जो है सिन्हाला कम्युनिटी से तो आते ही हैं, और कहीं ना कहीं उन्हीं की वोट से, जो उन्हीं के वोट बैंक से खड़े होकर आज जो है पीएम बने श्रीलंका के। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने बिल्कुल इस बारे में चिंता भी है कि तमिल्स का अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा प्रधानमंत्री बना है जो सिन्हाला कम्युनिटी के वोट बैंक के ऊपर बना है। तो इंडिया ने कहा कि श्रीलंका बिल्कुल जो है रिकन्सिलिएशन का जो प्रोसेस है तमिल्स का श्रीलंका में, उसको बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड करेगा। उसने कहा है कि जो भी तमिल लोगों की एस्पिरेशन है, उनको इक्वालिटी दिलाने के लिए, जस्टिस, पीस, रेस्पेक्ट के लिए जो भी एस्पिरेशन है श्रीलंका, प्लीज़ उनको फुलफिल करें। उसके बदले में जब वहाँ पर सिविल वॉर हुई थी, सिविल वॉर होती है जब वहाँ पर श्रीलंका में 1970s 1980 में, तो वहाँ पर वॉर होती है, तो वो वॉर अफेक्टेड एरिया को इंडिया ने कहा था कि हम वहाँ पर जो है मदद करेंगे, हम वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्डअप करेंगे। तो श्रीलंका ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे नॉर्थ और ईस्ट जो एरिया है, बेसिकली श्रीलंका का जो नॉर्थ और ईस्ट एरिया है वहीं पर तमिल पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कहा कि आप वहाँ पर आकर के ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाइए। अब तक इंडिया ने 46,000 घर बना रखे हैं वॉर अफेक्टेड एरिया में। उसके अलावा बात की है इंडिया ने, जब श्रीलंका ने, कि आप हमको असिस्टेंस प्रोवाइड करवाइए डीप सी फिशिंग टेक्निक्स में, जिससे कि जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वहाँ के लोगों के लिए और बढ़ाई जा सके। उसके अलावा बात की गई है जॉइंट मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एक ऐसी अथॉरिटी होगी जिसके अंदर क्या होगा, जितने भी मरीन रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज किया जाएगा, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाए। बेसिकली इंडिया और श्रीलंका दोनों आपस में जो है कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि भाई ये हमारा एरिया है, ये हमारा एरिया है, दोनों के फिशरमैन जो है यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के ये मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाने का प्रपोजल श्रीलंका ने दिया है। इसके अंदर 7 मेंबर होंगे दोनों तरफ से, जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स होंगे, रिसर्चर्स होंगे, फिशरमैन एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ठीक है। तो वो क्या काम करेगी, बेसिकली एक सॉल्यूशन देगी कि किस तरीके से जो ये फिशरीज़ का कन्फ्लिक्ट है ये ख़त्म हो सके। तो जो पाक स्ट्रेट है इसी के अंदर में ये सारा कन्फ्लिक्ट चलता है, और पाक स्ट्रेट जो है तमिलनाडु को जोड़ती है इंडिया साइड से, और इधर जाफना को जोड़ती है श्रीलंकन साइड से। और अभी हाल ही में चेन्नई से जाफना के लिए डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट हुई है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डायरेक्टली जो है फ्लाइट भी स्टार्ट हुई है, जो कि सिविल वॉर के बाद रुक गई थी। जब 1980s में वहाँ सिविल वॉर हुई तो वहाँ पे वो फ्लाइट जो थी रुक गई थी, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट हुई है। उसके अलावा डेट ट्रैप का जो मुद्दा है वो भी जो है डिस्कस हुआ है इसके अंदर में। इसके अंदर बेसिकली आपको पता है कि चाइना का बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, और इतना इन्वेस्टमेंट हो जाता है कि वो छोटी छोटी कंट्रीज़ को इतना पैसा दे देता है कि बाद में वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है इन्होंने कहा कि डेब्ट ट्रैप बेसिकली एक डिप्लोमेसी है, एक स्ट्रेटजी है जिसको चाइना जो है इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे बहुत सारी अफ्रीका में थी उनको जो है पैसा देता है, क्योंकि उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होती है, और बाद में एक इसकी फाइनेंशियल टेक्टिक है जिसकी वजह से वो उसके ऊपर अपना पूरा कब्जा कर लेता है। इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो दोनों कंट्री ने कहा है कि हम बिल्कुल साथ में आकर के पीस और प्रोस्पेरिटी की राह पर चलेंगे, ठीक है। उसके अलावा इंडिया ने कहा कि जो हमारी नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है हम उसको ही रीइन्फोर्स करेंगे,
और सागर। सागर बेसिकली एक आर्टिकुलेशन है इंडिया के विजन का कि किस तरीके से इंडियन ओशन में आगे का माहौल होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर यही बात आती है कि कभी भी कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो उसमें साथ मिलकर के काम करना है, मैरिटाइम थ्रेट्स जो होते हैं जैसे पायरेसी है और टेररिज्म है उसको साथ में डील करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और सिक्योरिटी कोऑपरेशन में आपस में जो रिलेशन है उनको और डीप करना है, ये सागर के कुछ एलिमेंट्स हैं। टेररिज्म पे जब बात आई तो दोनों ने कहा कि ठीक है हमें कोऑपरेट करना चाहिए कि जिससे कि हम काउंटर टेररिज्म कर सके। आपको पता हो कि लास्ट ईयर ही जो है ईस्टर पे बहुत अटैक हुए थे आपके श्रीलंका में और कम से कम 400 450 लोग मर गए थे, तो टेररिज्म का खतरा उधर भी है और इधर भी है, इंडिया में तो है ही खैर। तो इसको लेकर के दोनों के बीच बात हुई। अब बात करते हैं देखो इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस की। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन बहुत पुराने हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पुराने हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल वे में ले लो, कल्चरल वे में ले लो, रिलीजियस वे में ले लो या फिर लिंग्विस्टिक इंटरकोर्स में ले लो, बहुत पुराने रिलेशंस हैं। सबसे पास की हमारी कंट्री है मैरीटाइम वे में देखा जाए, सिर्फ 30 नॉटिकल माइल्स हमारी उससे डिस्टेंस है। उसके बाद जब वहाँ पे सिविल वॉर हुआ था तो उसमें इंडिया ने जो वहाँ की गवर्नमेंट थी, जो सिन्हाला वाली गवर्नमेंट थी, उसका साथ दिया था अगेंस्ट तमिल रेबेलियंस। उस साथ देने की वजह से ही जो है हमारे राजीव गांधी जो पीएम थे उनका असैसिनेशन हुआ था LTTE के लोगों के द्वारा। उसके अलावा वहाँ पर बहुत सारा इंडिया ने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाया है, बहुत डेवलपमेंटल असिस्टेंस दिया है। पहला कमिटमेंट था कि 50,000 लोगों का घर बनाएगा इंडिया, जितने भी लोग सिविल वॉर में इफ़ेक्ट हुए हैं, और बेसिकली वहाँ पे क्या थे वो प्लांटेशन स्टेट में काम करने वाले मजदूर ही थे जो बेसिकली वहाँ तमिलियंस थे, ठीक है। उसके अलावा देखो हमारी प्रॉक्सिमिटी तो है ही वाटर के वे में, तो जो फिशरमैन का जो कन्फ्लिक्ट है वो चलता ही रहता है। तो इसी को लेकर के बात हुई कि कुछ अरेंजमेंट्स किए जाएंगे कि जिससे क्या नाम है फिशरमैन का जो मुद्दा है ये सॉल्व हो सके। उसके अलावा इंडिया और श्रीलंका ने बहुत जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है इनकी, मित्र शक्ति नेवल एक्सरसाइज होती है स्लीनेक्स, ठीक है, ये सब भी होती है, तो दिखाता है कि हमारा डिफेंस में कोऑपरेशन भी बहुत है। उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि चेन्नई से जाफना के बीच में फ्लाइट जो है वो रिज्यूम हो गई आफ्टर द गैप ऑफ 41 ईयर्स, और इन फ्लाइट का जो ऑपरेशन था वो सस्पेंड हो गया था जब सिविल वॉर हुआ था श्रीलंका में। तो ये एक ब्रीफ था, ये ब्रीफ था इंडिया और श्रीलंका का, और जो फिलहाल हाल ही में जो महिंद्र राजपक्षे की जो विजिट हुई उसको लेकर के। सो डेट इज़ ऑल विद दिस वीडियो, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन से फीडबैक है आप डेफिनेटली हमें कमेंट करके बताइए, हम उसके ऊपर ज़रूर वर्क करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, अ वेरी गुड डे फॉर ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड लाइफ फॉर ऑल ऑफ यू, आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ।